So today we start with the most important function of kidneys, that is homeostasis. और kidneys का homeostasis में या body का एक constant environment maintain करने में बहुत important role होता है. What is homeostasis? Actually, the constant state of equilibrium which our body has to make so that normal activities go, उसको हम homeostasis कहते हैं. और ये हम सभी जानते हैं कि body के अंदर जो enzymes हैं और बाकी जितना भी metabolic processes हैं, physiology है, वो एक particular temperature पे ही काम करती है. तो हम temperature को maintain रखने के लिए साथ ही साथ body के अंदर जो water होता है, body के अंदर जो pH होता है, बॉडी के अंदर जो सॉल्ट्स होते हैं और बाकी सारे इलेक्ट्रोलाइट एंड सारे अदर कॉन्सेंट्रेशन हैव टू बी वेल बैलेंस्ड, जिससे कि बॉडी अपना फंक्शन नॉर्मल कर सके. ये सारा काम किडनीज के ऊपर है. तो वी से दैट किडनीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइसेस टू मेंटेन होम्योस्टेसिस इन द बॉडी. नाउ ये होम्योस्टेसिस कितने प्रकार से लगता है बॉडी में? तो फर्स्ट वी टॉक अबाउट रेगुलेशन ऑफ फ्लूइड बैलेंस. फ्लूइड बैलेंस मतलब द मेन कनेक्टिव टिश्यू, सॉरी द मेन फ्लूइड इन द बॉडी इज वाटर. हमारा बॉडी ही 90% के करीब तो पानी का बना रहता है. नाउ इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी एंड वी ऑल्सो नो दैट वी हैव टू ड्रिंक 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली टू कीप आर बॉडी नॉर्मल एंड हेल्दी. नाउ वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लेवल अंदर ठीक रहना चाहिए, बिल्कुल बैलेंस रहना चाहिए और रहता भी है, तभी तो हम बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं. पर कई केसेस के अंदर जैसे जब हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, फीवर होता है, हम पानी नहीं ना पी पाते, हमारी और कोई बीमारी के कारण वॉमिटिंग हो जाती है, डायरिया हो जाता है या वी पास अ लॉट ऑफ यूरिन, बहुत सारी स्टेट्स होती है जब यूरिन बहुत ज़्यादा बनता है तो हम बार बार फ्रिक्वेंटली उसको पास करते हैं. ऐसे केस के अंदर हमारा बॉडी वाटर का डेफिसिट फेस करता है, पानी कम हो जाता है और बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है. बॉडी इस डेफिसिट को पूरा कर पाए और यूरिन नॉर्मल अमाउंट में निकले, ज़्यादा नहीं निकले, तो इसके लिए किडनी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. दैट इज़ किडनी का मेन काम ही वाटर कंजर्वेशन होता है और वो अपने रीअब्सॉर्प्शन प्रोसेस द्वारा, लूप ऑफ हेनले द्वारा वाटर के एब्जॉर्प्शन करने के काम आती है. साथ ही साथ वी ऑल्सो नो जो एल्डोस्टेरॉन हमारे किडनी के ये एड्रिनल ग्लैंड के उधर डिस्टल ट्यूब्यूल्स पे जो सिचुएटेड रहती है, उसका काम भी वाटर एब्जॉर्प्शन होता है. सो टू मेंटेन अ कांस्टेंट वाटरी एनवायरनमेंट या एक्वस एनवायरनमेंट इन द बॉडी, किडनीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. नाउ नेक्स्ट, एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजेनस सब्सटेंसेस. नाइट्रोजेनस सब्सटेंसेस होते हैं अमीनो एसिड. देन अमीनो एसिड या नाइट्रोजन अलग अलग वे में मैनिफेस्ट कर सकते हैं. अमोनिया बन सकता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, यूरिया बन सकता है एंड यूरिक एसिड बन सकता है. ये अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, इनको बॉडी टाइम टू टाइम एलिमिनेट करता रहता है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एनिमल. अगर वाटरी एनिमल या एक्वस मीडियम में रहने वाला एनिमल है तो वो अमोनिया डिस्चार्ज करता है, जिसके लिए पानी का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ज़्यादा पानी का होना जरूरी है. देन यूरिया एंड यूरिक एसिड इज एलिमिनेटेड बाई दोज एनिमल्स हु लिव ऑन लैंड. तो ये इनका नाइट्रोजनस प्रोडक्ट है और इनको एलिमिनेट करके हमारे बॉडी का ये जो नाइट्रोजनस कंटेंट है वेस्ट मटीरियल का, ये एलिमिनेट हो जाता है. ये काम भी किडनीज को है, क्योंकि यूरिया और यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, क्योंकि ये दे आर लार्ज क्रिस्टल्स. एज सच इनको अगर सिक्रीट नहीं होते तो इनको अगर एक्सक्रीट नहीं होते तो इनको सिक्रीट किया जाता है अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जा करके, क्योंकि ये बॉडी के लिए हार्मफुल है. और इनका कलेक्शन जब बॉडी में हो जाएगा तब ये सब्सटेंसेस हमारी किडनी के लिए और हमारे बॉडी एज सच के लिए फेटल साबित हो जाएंगे. साथ ही साथ क्रिएटिनिन की मात्रा जब ब्लड में कुछ ज़्यादा ही हो जाती है, देन अगेन एज किडनी सफर फ्रॉम डैमेज. सो ऑल दीज सब्सटेंसेज हैव टू बी रिमूव बाय द किडनी, जो हमारे होम्योस्टेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ अदर सब्सटेंसेज फ्रॉम द ब्लड. ब्लड के अंदर कुछ और भी सब्सटेंसेज हैं अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज विच वी हैव स्टडीड, जिनका रिमूवल बहुत ज़्यादा जरूरी है. जैसे ब्लड के अंदर कुछ ड्रग्स होती हैं, ये ड्रग्स जैसे आयोडाइड्स है, सैंटोनिन है, आर्सेनिक है. इनके अलावा ब्लड के अंदर मिनरल सॉल्ट्स होते हैं, जिनका ज़बरदस्ती का अक्यूमुलेशन भी हमारे ब्लड को कॉन्सेंट्रेट करता है या हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है. सो दे ऑल नीड टू बी एक्सक्रीटेड बाय द किडनी. किडनी अपना ये काम बखूबी करती है. साथ ही साथ ब्लड के अंदर कई बार बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, तो इन बैक्टीरिया को भी फिल्टर आउट करके बाहर निकालने का काम किडनी करती है. सो दिस इज़ हाउ अ नॉर्मल बॉडी एनवायरमेंट इज मेंटेन बाय द किडनीज. और जब ये एनवायरमेंट नॉर्मल मेंटेन होता है, ऐसे केस के अंदर जब कॉन्सेंट्रेट्स, जब ये सॉल्यूट्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, तब बॉडी का जो ब्लड है वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है. एज अ रिजल्ट
आर्टरीज के ऊपर प्रेशर पड़ता है, आर्टरीज पे प्रेशर पड़ता है मतलब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. सो ब्लड प्रेशर शुड रिमेन कॉन्स्टेंट, जो अपना 120/80 है ह्यूमन बींग्स का, और दूसरे मैमल्स में अलग अलग तरह का है, बट इन एनी केस हमारा जो कॉन्स्टेंट ब्लड प्रेशर वो मेंटेन रहना चाहिए, उसका काम भी किडनीज बखूबी करती है. नेक्स्ट फंक्शन इज एसिड बेस बैलेंस. एसिड बेस बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी, क्योंकि बॉडी का एक नॉर्मल पीएच होता है, अलग अलग जगह का अलग अलग पीएच होता है. वी ऑल नो कि सभी जगह बेसिकली एल्कलाइन पीएच होता है, केवल एक स्टमक है जहाँ पे एसिडिक पीएच होता है. नाउ अगर ये एसिडिक पीएच कहीं और भी हो जाए तो हमारा बॉडी विल अगेन फेस मेनी मेटाबॉलिक एज वेल एज अदर प्रॉब्लम्स, क्योंकि अल्टीमेटली एक प्रॉब्लम घूम के उस बॉडी के अंदर जाएगी तो वो सभी तरह की अदर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगी. Now what happens as a result of glucose metabolism, lot of carbon dioxide is produced. Body में glucose के metabolism के फलस्वरूप बहुत सारी carbon dioxide produce होती है. ये carbon dioxide water के साथ मिलकर के carbonic acid बना देती है. Then now in the blood this carbonic acid splits into two. ये दो में split कर जाती है, हम उसको hydrogen ions कहते हैं और bicarbonate ions कहते हैं. बाइकार्बोनेट आयंस का आगे अलग रिएक्टिव प्रोसेस है, और जहाँ पे बात है हाइड्रोजन आयंस, अगर ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहा तो मेनी हाइड्रोजन आयंस विल एक्यूमुलेट इन द ब्लड और दिस विल इंक्रीज द पीएच ऑफ द ब्लड. जब इसी तरह से अगर ब्लड का पीएच इंक्रीज हो गया तो फिर हमारा बॉडी तो उसको सस्टेन नहीं कर पाएगा. एज अ रिजल्ट इसका निष्कासन होना चाहिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर पीएच मेंटेन होना चाहिए. किडनीज ये काम बखूबी करती हैं अपनी यूरिया साइकिल और दूसरे प्रोसेसेस के द्वारा. एज अ रिजल्ट अमोनिया इज प्रोड्यूस, और ये अमोनिया बॉडी के बाहर निकल जाती है सो दैट बॉडी के अंदर एक बैलेंस क्रिएट होता है. तो दिस इज हाउ किडनी हेल्प इन मेंटेनिंग अ कांस्टेंट पीएच ऑफ द बॉडी बाय विच वी कैन डू द एक्टिविटीज इन अ नॉर्मल मैनर. सो दीज वर ऑल द प्रॉपर्टीज एंड एवरीथिंग जो भी आपके सिलेबस के हिसाब से था कंप्लीट किया गया है किडनीज के बारे में, कि किडनीज कैसे हमारे एक्सक्रीटरी डिवाइसेस हैं, किडनीज कैसे कैसे काम करती हैं, और किडनीज की फिजियोलॉजी, उसका आर्किटेक्चर और उसके फंक्शंस, ये सब अपन ने कंप्लीट करे. नाउ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट किडनीज या एक्सक्रीटरी सिस्टम एज सच जो हमें पता रहने चाहिए बींग ह्यूमन बींग या बींग साइंस स्टूडेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले किडनी कुछ मैलफॉर्मेशन से सफ़र करती है, जिसको अपन बहुत कॉमन प्रॉब्लम है किडनीज में स्टोन बनना. नाउ ये किडनीज में स्टोन क्या होते हैं? किडनीज में स्टोन एक्चुअली व्हेन यूरिन कंटेन मोर क्रिस्टल फॉर्मिंग सब्सटेंसेस सच एज कैल्शियम ऑक्सलेट एंड यूरिक एसिड. जब किडनी के अंदर क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं कुछ ज़्यादा है, जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट और यूरिक एसिड के, तब ये हार्ड डिपॉजिट यूरिक एसिड का मिनरल्स के साथ मिल करके कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में यूरिन में आ जाता है, और ये यूरिन से निकलने नहीं पाता बिकॉज इट इज़ टू लार्ज टू पास आउट. ये क्रिस्टल के रूप में किडनी में जमा हो जाते हैं एंड दे कैन बी पेनफुल. ये बहुत ज़्यादा पेनफुल हो सकते हैं क्योंकि किडनी में स्टोन, वैसे आमतौर पर स्टोन्स दे आर ऑल बेनाइन, ये ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते, ये आराम से निकल पाते हैं. इनको अगर हम बहुत ज़्यादा पानी पिए, पर डे हमारा पानी का कंजम्पशन ज़्यादा रहे और थोड़ा डाइट को हम ठीक रखें तो स्टोन फॉर्मेशन की प्रक्रिया वो कंट्रोल भी किया जाता है. नाउ हाउ डू यू डिटेक्ट दैट देयर आर स्टोन्स इन द किडनी? उसके लिए हमारे कमर में दोनों तरफ दर्द हो सकता है, ये पेन बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकता है. एज द स्टोन मूव्स, जब स्टोन हिलता है बॉडी के अंदर तो ये मूवमेंट की वजह से ये दर्द करता है. साथ ही में ये दर्द के साथ साथ हमारे को नौसिया भी हो सकता है. तो दीज आर ऑल्सो सिम्टम्स की किडनी में स्टोन है. नाउ ये जो स्टोन है ये आराम से ब्लैडर से बाहर की तरफ पास हो जाते हैं, या तो पानी से ऑटोमेटिकली, बड़ा होता है तब उसको तोड़ना पड़ता है तो आप मेडिकली भी तोड़ सकते हैं, या इसको कुछ और मेडिसिन जो अंदर ही अंदर उसको तोड़ दें और फिर वो टूट करके यूरिन के थ्रू बाहर निकल आए. कई बार बाहर निकलने के प्रोसेस में भी थोड़ी दिक्कत होती है, या यू से दिस इज़ अ पेनफुल प्रोसेस. तो दीज वर द किडनी स्टोन्स. अनदर टाइप ऑफ मैलफॉर्मेशन इज अ सिस्ट, किडनी में सिस्ट या पुट्टी का फॉर्म होना. अ सिस्ट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर या फ्लूइड फिल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर. ये बहुत मामूली सा स्ट्रक्चर होता है, और आमतौर पे सिस्ट एक या कुछ डेवलप हो जाती है. एक होती है तो दैट इज आमतौर पे सिस्ट ज़्यादा हार्मफुल भी नहीं होती है. मोनोसिस्टिक कंडीशन
या कई बार जब बहुत सारी सिस्ट इस तरह की फ्लूइड फिल सैक्स डेवलप हो जाते हैं किडनी के कॉर्टिक्स के चारों तरफ या एनी वे इन द किडनी, आमतौर पर दे डेवलप आउटसाइड द इन द आउटर रिम ऑफ द किडनी, तब हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक कंडीशन और इसको हम पीकेडी भी कहते हैं, जैसे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। जब ये पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज होती है तब दिस इज एक्चुअली नॉट अ नॉर्मल फॉर्मेशन, ये इनहेरिटेंस के साथ होती है, मतलब ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम होती है एंड इन विच अ किडनी हैज़ द टेंडेंसी ऑफ फॉर्मिंग मैनी सिस्ट, और ये सारी सिस्ट अंदर ही अंदर किडनी को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। नाउ हाउ डू यू डिटेक्ट कि सिस्ट हो रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर किडनी में? उसमें सबसे पहले पेन होना स्टार्ट होता है, और ये पेन कमर में नहीं होके जैसे कि जहाँ स्टोन होता है, दिस पेन इज ऑन द इन द अपर एब्डोमेन, हमारे उधर के ऊपर वाले भाग में पेन होता है और ये उधर के ऊपर वाले भाग में स्वेलिंग होने लग जाती है, स्वेलिंग के साथ पेन होता है, तब ऐसा लगता है कि यू कैन प्रेडिक्ट कि इस तरह का कोई पुट्टीनुमा स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा होगा। इसका एक और सिम्टम है कि यूरिनेट, इस तरह का व्यक्ति जिसको ये प्रॉब्लम चल रही है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेटिंग इंक्रीजेस, बहुत बार यूरिन करता है, ये यूरिन ज़्यादा करता है तो बॉडी का फ्लूइड लॉस होता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। नाउ ये जो यूरिन होता है इसको भी अगर देखें तो दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल पेल कलर यूरिन, पेल या हल्का येलो नहीं हो करके ये डार्क कलर यूरिन होता है, ब्लैक भी हो सकता है। दिस यूरिन में ऑल्सो कंटेन ब्लड एट टाइम्स, तो जब यूरिन में इतनी सारी एबनॉर्मलिटी आ रही है और कलर वाइज भी चलिए आपको पता नहीं चल रहा है पर लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, बार बार कोई बंदा टॉयलेट के लिए जा रहा है, तो दिस मीन्स दिस सिस्ट फॉर्मेशन या पीकेडी का प्रॉब्लम हो सकता है। एनदर सच प्रॉब्लम इज पॉलीयूरिया, पॉली मीन्स मैनी, तो पॉलीयूरिया एक्चुअली वो कंडीशन है जब कोई व्यक्ति बार बार यूरिन जाता है, ये उस केस में जाता है, पीकेडी में वो एक अलग बात हो गई, बाकी वैसे जब उसको यूरिन का कलर तो नॉर्मल रहता है, पीकेडी से भी सफ़र नहीं करता है, वो यूरिन बार बार जाता है और हर बार जब वो यूरिन करता है तो यूरिन का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। सो ये जो यूरिन का अमाउंट बहुत ज़्यादा है ये पॉलीयूरिया कंडीशन हो सकती है, और पर्सन जो बहुत ज़्यादा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा इस तरह का इस तरह की जिसको प्रॉब्लम चल रही होती है वो बार बार पानी भी पीता है, क्योंकि बार बार उसका बॉडी का वाटर खाली होता जाता है तो बार बार ही फील्स थर्स्टी, और ये इसलिए भी हो सकता है कि इसके दो कंडीशन है, या तो उसका यूरिनरी ब्लैडर ओवर एक्टिव है, ओवर एक्टिव होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर उसको प्रोस्टेट लार्ज है इन मेल मेंबर्स, या जब मेल होते हैं उनकी प्रोस्टेट ग्लैंड जब लार्ज हो जाती है तो भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। अदरवाइज अगर ये नहीं होती है तो कोई ना कोई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जिसको अपन यूटीआई कहते हैं ये हो सकती है, जिससे कि ये पॉलीयूरिक कंडीशन है। नाउ दीज वर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स जो अपने को पता होनी चाहिए थी किडनी से रिलेटेड। सम अदर प्रॉब्लम्स जो किडनी से रिलेटेड है कि जब हमारा मेटाबॉलिक डिसबैलेंस हो जाता है तो डायबिटीज़ हो सकती है, ये डायबिटीज़ का मेन है कि ब्लड के अंदर शुगर का अमाउंट बढ़ जाता है तो वो शुगर यूरिन के थ्रू से एक्सक्रीट होने लग जाती है, हम इस कंडीशन को डायबिटीज़ कहते हैं। ये जो कंडीशन है वैसे पॉलीयूरिया है या ये फिल्ड ब्लैडर की कंडीशन है, ये तब भी होती है जब इंसान की थोड़ी सी डिजीज कंडीशन चल रही है या थोड़ी सी एबनॉर्मल कंडीशन चल रही है, लाइक इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी अक्सर लेडीज़ को पॉलीयूरिक फॉर्मेशन या पॉलीयूरिक कंडीशंस का सामना करना पड़ता है। नॉट ओनली दिस, किडनी जब फेलियर होता है किसी ना किसी अदर रीज़न से या लिवर में कोई मैलफॉर्मेशन हो रही होती है तब भी इस तरह की कंडीशन आ जाती है। सो दीज वर सम डिसऑर्डर्स। एनदर टाइप ऑफ डिसऑर्डर जो किडनी की वजह से फेस करते हैं दैट इज हाइपरकैल्सीमिया। हाइपर मीन्स ज़्यादा, कैल्सीमिया मतलब कैल्शियम, जब ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा इकट्ठी होती है, मतलब कैल्शियम एक्सक्रीट नहीं किया जाता, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कैल्शियम है वो एक्सक्रीट नहीं होने पा रहा है, वो ब्लड में ही रह गया है। एंड वाई दिस टेक्स प्लेस, दिस टेक्स प्लेस ड्यू टू एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ ADH। ADH या एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन ठीक से, एल्डोस्टेरॉन ठीक से सिक्रीट नहीं हो पाती तो वो ठीक से काम भी नहीं कर पाती, और ADH के प्रति किडनी का रिस्पॉन्स काफ़ी हल्का रहता है या नॉर्मल नहीं हो पाता तो ये हाइपरकैल्सीमिया हो जाता है। ऑल्सो इन सर्टन केस जब इंसान बहुत उत्तेजित हो जाता है या वेन वी आर मच मोर एंशियस या फिर वी आर एल्कोहलिक, जब इंसान शराब या इस तरह के सेवन ज़्यादा करता है या चाय या कॉफ़ी ज़्यादा पीता है, ये सारी चीज़ें एक्चुअली ये हमारे बॉडी में एल्डोस्टेरॉन फॉर्मेशन को रोकने का काम करती है, और ज़्यादा चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं तो अक्सर यूरिन भी ज़्यादा बनता है और बार बार हम
यूरिन करके आते हैं, तो एज अ रिजल्ट अगेन दिस और हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है. अलॉन्ग विद इट सम अदर फेलियर्स कैन ऑल्सो टेक प्लेस रिगार्डिंग किडनी. एंड जो आजकल चल रहा है कोविड का इन्फेक्शन, ऑल दोज पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम किडनी डिजीज दे आर हाईली प्रोन टू कोविड इन्फेक्शन. कोरोना वायरस उन लोगों को बहुत ईजिली आक्रमण कर लेता है जिनको किडनी से कोई प्रॉब्लम होती है या दे आर फेसिंग सम प्रॉब्लम रिलेटेड टू किडनी. सो दिस वॉज द मैलफॉर्मेशन इन द किडनी. नाउ कुछ जस्ट ऐसे रिवाइज करने के लिए कोई चीज़ें अपन लेते हैं. द चैप्टर इज ओवर. नाउ फर्स्ट किडनी का एक विकार डेवलप हो सकता है किसी कंपाउंड से जिसका नाम होता है क्रिएटिनिन. सो क्रिएटिनिन इंक्रीज मे ऑल्सो कॉज प्रॉब्लम इन द फंक्शन ऑफ किडनीज. देन किसी कुछ बर्ड्स के एक्सक्रीटा में और कुछ बर्ड्स के एक्सक्रीटा में यूरिक एसिड पाया जाता है जिसका नाम होता है गुआना. बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स के अंदर आमतौर पर बर्ड्स में पाया जाता है, जैसे पेलिकन्स और फैल्कन्स वगैरह इनमें पाया जाता है. देन दे आर टू टाइप्स ऑफ किडनीज, जो मैंने आपको किसी एक लेक्चर में मेरे वीडियोस देखेंगे आपको मिल जाएगा, कॉर्टिकल एंड जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रोस. नाउ कॉर्टिकल नेफ्रोस वो होता है जिनके ग्लोमेरुलस आर लोकेटेड इन द आउटर कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स में सिचुएटेड होते हैं, तो इनकी लूप ऑफ हेनली बहुत छोटी होती है. जबकि जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रोस जो होती है इनके जो ग्लोमेरुलस होता है दे लाई डीपली सीटेड इन द कॉर्टेक्स नेक्स्ट वेरी क्लोज टू मेड्यूला, तो इनके जो लूप ऑफ हेनले हैं वो बहुत लंबे हैं. एंड लूप ऑफ हेनले के ऊपर बेस्ड रहता है डेजर्ट अडेप्टेशन. जिन एनिमल्स को डेजर्ट में अडेप्टेशन पानी के लिए चाहिए क्योंकि पानी वहाँ पे कम मिलता है, वहाँ पे लूप ऑफ हेनले बहुत लंबी होती है क्योंकि लूप ऑफ हेनले आर एक्सेलेंट डिवाइसेस इन कॉन्जर्वेटिंग वाटर. नाउ अनदर क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन? देन देयर आर थ्री मेजर स्टेप्स इन यूरिन फॉर्मेशन. एक को हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, एक को हम कहते हैं सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, एंड लास्ट वन को हम कहते हैं सीक्रेशन. देन ये जो वाटर फिल्ट्रेशन की जो है या ग्लोमेरुलर रेट जिसके द्वारा मटेरियल फिल्टर होके या छन करके वापस आ जाते हैं, इसकी अमाउंट है इसका वैल्यू है 20 to 30 mm mercury. और इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR इज इक्वल टू GCP ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर माइनस OP प्लस RP ऑन्कोटोनिक ऑन्कोनिक प्रेशर एंड रीनल प्रेशर. तो जिसका बराबर मान होता है 70 माइनस 50 प्लस 20, तो दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 20, या हम कह सकते हैं इन अ लार्ज सेंस 20 to 30 mm प्रेशर के साथ, मर्करी प्रेशर के साथ किडनी से फिल्ट्रेशन होता है ग्लोमेरुलस द्वारा. देन थ्रेश होल्ड सब्सटेंस, आमतौर पर कुछ सब्सटेंस नेफ्रिक फिल्ट्रेट जो होता है जो ग्लोमेरुलस से छन के आता है उसके अंदर सब्सटेंसेस जो इम्पॉर्टेंट होते हैं वो सारे रीअब्सॉर्ब हो चुके होते हैं और वो यूरिन में अपियर नहीं करते. सो ऑल दीज सब्सटेंसेस विच आर इम्पॉर्टेंट टू द बॉडी दे आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द रीनल फिल्ट्रेट, इनको हम थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस कहते हैं. कुछ सब्सटेंसेस जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं क्योंकि हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, कुछ सब्सटेंसेस को बॉडी की ज़रूरत नहीं होती है तो ये नहीं होने पाते. एंड कुछ फॉर्म अ मीडियम ग्रोथ, अकॉर्डिंगली दे आर नोन एज हाई थ्रेशोल्ड, लो थ्रेशोल्ड एंड ए थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस. नाउ नेक्स्ट मिक्चुरेशन. मिक्चुरेशन क्या होता है? वो एक्ट जिसके द्वारा हमारा यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को भरता है और फिर उसको बाहर डिस्चार्ज कर देता है. हम इस एक्ट ऑफ एम्प्टिंग द ब्लैडर या द एक्ट ऑफ यूरिनेटिंग इज नोन एज मिक्चुरेशन. बच्चों के अंदर नहीं पाया जाता लेकिन जैसे ही बच्चा थोड़ा सा अपने नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्शन बैठा लेता है ये एक्ट हो जाता है क्योंकि दिस इज कंट्रोल्ड बाय आवर नर्वस सिस्टम. और नर्वस सिस्टम इसके दो रिफ्लेक्सेस देता है, एक तो स्टोरेज रिफ्लेक्स और एक वॉइडिंग रिफ्लेक्स. स्टोरेज रिफ्लेक्स के अंदर यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में भरता चला जाता है और वॉइडिंग रिफ्लेक्स जब ब्लैडर पूरी तरह से भर जाता है तब वो कॉन्ट्रैक्शन अंडरगो करता है और पेरिस्टाल्टिक वेव्स द्वारा भी ये प्रेशर के साथ बाहर आ जाता है. तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस विच हेल्प इन मिक्चुरेशन प्रॉपर्टी. एंड लास्ट, व्हाट टाइप ऑफ किडनीज डज अ मैमल हैव? अ मैमल हैज मेटानेफ्रिक टाइप ऑफ किडनी, जो अपन ने पढ़ लिया. किडनीज का ओरिजिन तीन प्रकार का था, प्रोनेफ्रोस, मीजोनेफ्रोस एंड मेटानेफ्रोस. प्रो और मीजो मैमिलियन किडनी की अगर अपन बात कर रहे हैं क्योंकि वी आर डीलिंग विथ मैमिलियन फिजियोलॉजी, तो ये जो हमारी मेटानेफ्रिक किडनी है ये पहले प्रोनेफ्रिक किडनी थी
अपने फॉर्मेटिव स्टेज में, आगे जाके ये मीजोनेफ्रिक में बदली एंड फाइनली ये मेटानेफ्रिक में बदल गई, जिसके द्वारा हमारी दो किडनीज होती है। मेटानेफ्रिक किडनी ये कहती है कि वी हैव टू किडनीज, दोनों के पेल्विस से निकलता हुआ एक हाइलम था एक जगह, उस हाइलम से यूरेटर बाहर निकलता है, ब्लैडर में जाता है और ब्लैडर के थ्रू वो बाहर निकल जाता है, और जहाँ पे हाइलम था वहीं पे ये आर्टरीज एंड वेन्स का अंदर आना और बाहर जाना भी होता है। सो दिस वॉज एवरीथिंग अबाउट दिस क्रिएटर सिस्टम। यू कैन ऑलवेज वॉच माई वीडियोज, जिसका लिंक मैंने आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में दे रखा है, एंड थैंक यू।